उसका दो कुछ बीमारी है। फर्स्ट ई कोले का बीमारी भी बता दिया मैंने और अफ्लाटॉक्सिन का बता दिया और साल्मोनेलोसिस को भी। साल्मोनेला छोटा बच्चे में, छोटा बच्चे फर्स्ट वीक में किसी चिक्स ले रहे, चिक्स वाला कंपनी में पैरेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपना ओवरी से चिक्स में भी आ जाता है। उस टाइम क्या होगा, ये लीवर पूरा पेल हो जाएगा, समझ आ रहे, सफ़ेद पूरा सफ़ेद हो जाएगा, मुर्गी पूरा मरना शुरू कर देगी, बच्चा मरती रहेगी, उसमें देखते मालूम हो जाएगा। उसमें बड़ा होने के बाद साल्मोनेलोसिस आया तो इसमें अंदर सफ़ेद का एक ऐसा चेक जैसा दिखी, समझ आ रहे, इसको फॉल कॉलरा भी बोल सकते हैं, साल्मोनेला भी, दोनों को डिफरेंशिएट। ये माइक्रोबायोलॉजिकल कराते ही पता चलेगा, इसमें डॉट डॉट का सफ़ेद दिखेगा। डॉट सफ़ेद मतलब क्या है ना, पस है, समझ है ना, आपने एक बार सड़ गया तो वो जगह पे सफ़ेद हो जाता है ना, ऐसे अंदर वो जगह पे पस का डॉट दिखेगा, वो हो गया तो फॉल कॉलरा होगा, नहीं तो साल्मोनेला का हो सकता है, सस्पेक्टेड है, उसका कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हो गया, बरसा हो गया लंग्स में, अभी आएंगे इसमें कतरा में। काक्स में क्या होगा, पूरा लाल लाल हो जाएगी, सफ़ेद दिख रहा है, ये भी लाल लाल हो जाएगी इंटेस्टाइन में, सभी जगह पे लाल, और ये जगह भी इसका सीकम है इंटेस्टाइन में, ये भगवान ने दिया हुआ है, मुर्गी को स्पेशल किसी को भी नहीं है, तीन जगह दिया है, दिख रहा है, खाना आके फिर वापस ये जगह पे आके रुकेगी, दिख रहा है, फिर वापस जाएगी। इसको पानी ज़्यादा नहीं मिलता है ना बाहर घूमते रहे, ये जगह पे जो फीड में कितना पानी है उसको फिर वापस लेगी, लेने के बाद फिर कचरा बाहर जाने के लिए रखा, ये एक्स्ट्रा जगह रखा है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें कितना लोग मुर्गी रखा है, इसमें जंतु नाशीकरण कभी दिए होंगे आपको, बच्चे लोग बड़ा नहीं हुआ तो उसको डीवॉर्मर करते, वॉर्म्स इसमें रही, ठीक है, वॉर्म्स का हो जाएगी, इसमें क्रिएट हो जाएगी, और इसमें भी वॉर्म्स आ जाएगी, कभी कभी देखा तो ऐसे खोल दिया, वॉर्म्स नहीं रहता कुछ नहीं इसमें, नहीं अपना फॉर्म किसी ने, फॉर मैनेजमेंट है उसमें, वार्म्स दिखेगा, किधर दिखेगा वो बता रहा मैंने, लक्षण होना चाहिए नहीं बोल रहे, ये होगा तो ये प्रॉब्लम है, ये जगह पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी इसमें भी वार्म्स का पता चल जाएगा, ये देख लिया। एक्चुअली ये कलर में सभी जगह पर रहना चाहिए, सफ़ेद है ना, नॉर्मल रहेगा, ऐसा है तो थोड़ा थोड़ा अल्सर है, बट काक्सी में क्या रहेगा, पूरा का पूरा खोलने के पहले मालूम हो जाएगी, एकदम लाल रिबन को हाथ में रखा जैसा दिखी, लाल रिबन को हाथ में, वो काक्सी है, समझ में आके, ट्रीटमेंट वगैरह उधर बात कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या क्या बात किया बता दीजिए भाई साहब, डिजीज़ को बताओ मेरे को, आरडी का किया सर, आरबीडी का बात कर लिया, एमडी हो गया, एमडी हो गया, हाँ, सीआरडी हो गया, सीआरडी हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, कैल्शियम का बात कर लिया, इक्लो हो गया, इकोले हो गया, और गोट हो गया, गोट हो गया, गोट हो गया, एमडी हो गया, एएलसी हो गया, अफ्लाटॉक्सिन हो गया, साल्मोनेला हो गया, फॉल कॉलरा हो गया, हाँ, फॉल पॉक्स है, फॉल पॉक्स क्या करेगा, दो टाइप का बीमारी है वो, फॉल पॉक्स ऐसा है किधर बाल नहीं है, अपना जैसा बाल नहीं है वो जगह पे सूजन आता है, पानी भर जाता है, ऐसे इसमें भी पानी भरेगा, इधर भी भरेगा, आपका काला काला हो जाएगा, ये जगह पे भी मुँह का इस तरफ काला काला हो जाएगा, इसका मतलब छाले पड़ फॉल पॉक्स, छाले पड़ जाएगी, एक फॉल पॉक्स उसका हो जाएगी लक्षण। दूसरा ये पाइप का विंडो, ठीक है, ये पाइप का विंडो, ये जहाँ पे क्या अटका हुआ है, कुछ अटका हुआ है, वोकल कॉर्ड, कुछ नहीं, खाना खाया, कभी कभी खाना खाने के लिए बात मत करो बोलते हैं ना, दोनों पाइप आसपास में, खाने का पाइप, अभी खाने का पाइप भी काटा मैंने, ठीक है, खाने का पाइप और ये दोनों एक ही छेद में जा रही है, ठीक है, जा रहा है, नाक इधर से हवा ले रही है, लेके किधर, ये छेद में आ रही है, आके इसमें जा रही है, बट बीच में गैप है, इसका टच नहीं है,
खाने का भी पाइप और दोनों का पाइप, इसलिए दोनों मतलब इसलिए खाना खाने का टाइम अपना भी है, बात नहीं करना, खाना खाने टाइम में इसके अंदर चले गए, फिर निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉल बॉक्स का ये जगह पे सफ़ेद पेपर को ऐसे काट के अंदर लगा दीजिए, सफ़ेद ठीक है, होगा चिंता में क्या करेगी मुर्गी ऐसा ऐसा करेगी सांस लेगी, मुँह खोल के देखे लाइट लगा के देखा तो इसमें भरा हुआ रहा तो वो फॉल बॉक्स है, समझ में आके इसको ऐसे सीसर में नहीं तो मेडिकल डॉक्टर में देखा होगा, एक फोर्स ऑफ रहता है ऐसा चिमटी जैसा ऐसा पकड़ के निकालना, इसका ऐसा रहेगा चिमटी में निकाल देगा। ठीक है, फॉल बॉक्स आ गया, उसके बाद हवा का पाइप है, दिख रहे हैं, इसमें साफ है, इसका मतलब सर्दी नहीं है, इसमें इन्फेक्शन रेस्पिरेटर का भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी आरडी रखा उस टाइम में भी ये रिंग है ना, रिंग में पूरा लाल 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 बाहर से दिख जाएगी, पूरा पूरा लाल हो जाएगा। सीआरडी रखा तो लाल कम रहेगा, कफा रहेगा, कफ है ना, कफ पूरा सफ़ेद का कफ ज़्यादा रहेगा, समझ आ रहे हैं, इसका देखते विंड पाइप में देखते बोल देंगे उसमें ये बीमारी आ गया आरडी का और देख लेंगे। कुल मिला के आपका पोस्टमार्टम करते बीमारी क्या है देख नहीं पाया तो प्रॉब्लम क्या है उसी का कम से कम ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लिवर का प्रॉब्लम देख लिया लिवर टॉनिक दे सकते हैं, सर्दी का प्रॉब्लम आ गया सर्दी का भी दे सकते हैं आपको, खांसी का आ गया खांसी का दे दिया, आईबीडी का प्रॉब्लम आ गया तुरंत स्प्रे करना, उसका ट्रीटमेंट क्या करना उस हिसाब से कर लेंगे, समझ में आ रहे हैं, कम से कम बीमारी का नाम नहीं आया तो भी क्या बीमारी का प्रॉब्लम है, गाउट आ गया उसी का देखते मालूम हो जाए ये इसका ये करना है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है डाट डाट दिख रही है वो कवाफाल कलर और सालमोला आपका मतलब नहीं, एंटीबायोटिक सबको एक ही है, एंटीबायोटिक दे के छुट्टी कर सकते, समझ में आ रहे हैं, बीमारी का नाम का पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं, बट ये लक्षण समय में आना चाहिए, बीमारी का जो प्रॉब्लम है उसका देखते करवाना है इसमें। अभी कोई करने वाला है आप लोग हाथ में खुद सर, एक जो मुर्गी के नीचे से मतलब लटक सा जाता है वो ये आएगा, ये मैनेजमेंट में आएगी, अंडे देने वाला मुर्गी ये तो ग्रोयर है, अंडे देने वाला मुर्गी में क्या होगा ये जगह पे, ठीक है, इसमें प्रोलैप्स आ जाएगी, अभी अंडे के बारे में क्लास दूंगा उस टाइम पता बोलूँगा, जवान लड़कियों की शादी नहीं करूँगा, बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ऐसा है अपना भी फार्मर क्या है अंडा जल्दी चाहिए, वो तो 17-18 हफ्ते में अंडा देना का शुरू करना है, ये 15 हफ्ते में शुरू करवा देंगे, इसका ये साइज़ छोटा है, ठीक है, अंदर का यूट्रस भी छोटा है, अंडे का साइज़ बड़ा है, वो बाहर आने के टाइम उसको गर्भ को भी बाहर निकाल के लेकर आएगी, वो बन जाएगी, उसको अंडा निकाल के उसके डिसइंफेक्शन कोई भी है डेटॉल में किसी में भी आराम से धो के उसको उंगलियां में ऐसे अंदर डाल के इसको थोड़ी देर पकाना मुर्गी को, ठीक है, ऐसे पकड़ते रहेंगे 5-10 मिनट, उसको अलग से छोड़ देना अंदर चले जाएंगे, ये पूरा अपना प्रॉब्लम है, ये नहीं तो मुर्गी का जेनेटिक का प्रॉब्लम है, खानदानी का प्रॉब्लम भी है, अपना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसको लेयर का फॉर्म भी बताएंगे, इसका नाम है प्रोलैप्स, समझ में आ रहे हैं, प्रोलैप्स है, ठीक है, अभी जो बताया मेरा जो कुछ सभी